हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो करने के बाद हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, मैंने पिछले क्लास में आपको टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बताया था और उसमें आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है, वेद वेद ट्रेवल्स सिक्स हंड्रेड किलोमीटर टू हिज होम। पार्टली हिज होम, पार्टली ट्रेन एंड इज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इट टेक्स It takes 8 hours if he travels 120 kilometers by train and the rest by car. By car, it takes 20 minutes. It takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometers by. Train and the rest by car. Find the question, थोड़ा लंबा लंबा है। Find the speed of car and train. यही क्वेश्चन है हमारा। शुरुआत करते हैं, कैसे हो? तो हमें देखना है कि इसमें क्या फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो हमने ले लिया किसी का स्पीड है, किसी दूसरे का। और लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का हमने लिया एक्स, और कार का क्या हो जाएगा? यहीं पर लिखता हूँ, कार का होगा वाई। दोनों का स्पीड पता हो गया। अब हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 600 किलोमीटर। केस वन में जाते हैं। केस वन क्या रहता है? ही टेक्स 8 आवर्स। केस वन के लिए टाइम क्या है? 8 आवर्स है। 120 किलोमीटर बाई ट्रेन जा रहा है। ट्रेन डिस्टेंस फॉर ट्रेन 120 किलोमीटर। अब देख रहे हैं टोटल 600 किलोमीटर ट्रेन से गया है 120, तो कार से कितना होगा? 600 माइनस 120 480 किलोमीटर हो जाएगा। इसका डिस्टेंस भी हो गया, इसका डिस्टेंस भी हो गया। अब दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम निकालेंगे। टाइम फॉर ट्रेन, ट्रेन का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है ट्रेन का 120, स्पीड है एक्स। फिर हम निकालेंगे टाइम फॉर कार, तो ये भी होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, का डिस्टेंस है 480 बाय वाई। ये भी टाइम लगा, ये भी टाइम लगा, दोनों को ऐड करेंगे टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना है? 8 है। क्या हो जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 120 बाय एक्स
प्लस 480 बाई वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। हम देख रहे हैं कि इसमें 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लेते हैं, क्या 8 कॉमन लेंगे तो ये होगा 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई, तो बेटा ये कट जाएगा आपका 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इक्वल टू 1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब सेकेंड वाले इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, पहले से 20 मिनट ज़्यादा लग गया क्या। इफ़ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन से 200 किलोमीटर गया तो क्या होगा, 200 बाई एक्स होगा, टोटल 600 है तो नेक्स्ट क्या 400 वाई होगा। 20 लॉन्गर होगा तो पहले का टाइम 8 था, अब क्या हो गया 8 प्लस 20 बाई 60, बी आवर में ये मिनट में ये वाई थी, ये हो जाएगा 200 बाई एक्स प्लस 400 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 25 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 8 बाई एक्स प्लस 16 बाई वाई इक्वल टू 25 बाई 3 कट जाएगा। 8 बाई एक्स प्लस 16 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 3, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आता है, आप जानते हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा इक्वेशन है बाई में एक्स है, बाई में एक्स बाई में वाई है, तो उसको लेट करके सीधा करते हैं, तो लेट करेंगे कि 1 बाई एक्स ए है और 1 बाई वाई क्या है बी है, 1 बाई एक्स ए है तो ये क्या हो जाएगा 15 ए 60 बी इक्वल 1, इक्वेशन हमारा 3 होगा और ये हो जाएगा 8 ए प्लस 16 बी इज इक्वल टू 1 बाई 3, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3 और 4। ठीक है, क्या करते हैं रूल क्या है, 8 से इसमें कर देते हैं और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये करना होगा, तो इसमें हमने किया 8 से मल्टीप्लाई, इसमें किया 15 से मल्टीप्लाई, कितना होगा 128 प्लस 480 बी इक्वल टू 8, और ये होगा 128 प्लस 240 बी इज इक्वल टू, इसी से कटाएंगे 5 हो जाएगा। इसका हमने किया तो सेम साइन है तो ऐड होगा, और सॉरी ऐड नहीं होगा, क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, कट गया तो ये हो जाएगा 240 बी इज इक्वल टू 3, इसे कट रहा है तो बी इज इक्वल टू 1 बाई 80 आया। बी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 या 4 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 लेते हैं 15 ए प्लस 60 बी है 1, 15 ए प्लस 60 इंटू 1 बाई 80, ये क्या हो जाएगा 3 ये 4, 1 में से 3/4 घट जाएगा तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 60, जो कि 1/60 आएगा, ए का वैल्यू आ गया और बी का वैल्यू भी आ गया। अब आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है 1/x = a, क्या लिखेंगे 1/x = a, 1/x = a का वैल्यू 1/60, तो यहाँ से x आया 60, वैसे ही 1/y क्या है b है, तो 1/y = 1/80, यहाँ से y आपको आ जाएगा 80, ये आंसर हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते थे, ये दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली साथ साथ लिखते हैं, 8 से इसमें 3 से इसमें, इनलेट 1/x 1/y छोटा छोटा नंबर है तो बिना लेट किए हुए ही इसको हम लोग बना सकते थे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चों का कहना है कि तो कोई दिक्कत फील होता है, इसी को दूर करने के लिए मैं इस तरह का एग्जाम्पल भी लिया हूँ, देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लिखने में सवाल लग रहा है, अबाउट कवर अबाउट कवर 32
किलोमीटर आप स्ट्रेंथ एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 7 hours. Also, it covers 40 kilometers of a stream and 48 kilometers downstream. In 9 hours, find the speed of the boat. Of the boat in still water and stream. Find the speed of the boat in still water and stream. मतलब आपको बोट का स्पीड निकालना है और स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, यही क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन मतलब कोई आदमी उधर जा रहा है, हम लोग उसके पीछे जा रहे हैं, तो जल्दी नहीं मिलना होगा, देर से होगा, स्पीड घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर पानी उधर से इधर आ रहा है और हम भी उधर से इधर आ रहे हैं तो हम जल्दी जाएंगे उसके साथ साथ। तो यहाँ जो है सेम डायरेक्शन अगर हुआ तो बोट एंड स्ट्रीम के केस में अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो हम भी जाएंगे इधर और पानी भी उधर से इधर जाएगा तो जल्दी जाएंगे। मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा रिलेटिव स्पीड। हमने पहले लिया कि लेट द स्पीड ऑफ बोट वी एक्स किलोमीटर बराबर और स्ट्रीम हो गया वाई किलोमीटर बराबर। अब हम क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम इधर से जा रहा है, हम उधर से जा रहे हैं, तो ये अप स्ट्रीम घट जाएगा। लिखेंगे स्ट्रीम अप स्ट्रीम, स्पीडिंग अप स्ट्रीम क्या होगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि हम भी उधर जाएंगे और पानी भी उधर से बन जाएगा। स्पीड हो गया और स्टार्ट करते हैं। करें तो क्वेश्चन 32 किलोमीटर गया है अप स्ट्रीम में, 32 किलोमीटर गया है अप स्ट्रीम में, तो टाइम क्या होगा। पहले हम लिख लेते हैं कि भाई अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, एक ही साथ कुछ नहीं होगा। 32 किलोमीटर गया है अप स्ट्रीम में, तो 32 डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया 32, स्पीड हो गया एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस हो गया और स्पीड हो गया, तो क्या निकालेंगे, टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 32 बाई एक्स माइनस वाई। इस बार डिस्टेंस गया है 36 किलोमीटर और स्पीड है इस बार एक्स प्लस वाई, इस बार टाइम होगा 36 बाई। टोटल टाइम मिला के कितना के बराबर है, 7 आवर्स के हो जाएगा। 32 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और आगे पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन भी सीधा करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट है फिर से कितना गया, इट कवर 40 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। इस बार हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन सेट करते हैं। फिर से क्वेश्चन करता है
40 किलोमीटर गया आप स्टेंट एक्स माइनस वाई, और ये गया 48 टाइम स्टेंट ऑफ 48 बाई एक्स प्लस वाई, और टाइम लग गया इसको 9 आवर। ये इक्वेशन दो इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। फिर से हमने देखा कि बाई में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, ये भी एक्स बी वाई सी के फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई नीचे है, तो फिर लेट करना होगा। इस बार तो जल्दी है, लेट करना ही हो तो लेट क्या करेंगे, वन बाई एक्स माइनस वाई ए एंड वन बाई एक्स प्लस वाई बी। अब ये हम पुट कर देंगे उसमें, ये क्या हो जाएगा 32 ए प्लस 36 बी इज इक्वल टू 7, क्वेश्चन हो जाएगा 3। और फिर क्या होगा 48 बी इज इक्वल टू 9, क्वेश्चन हो जाएगा 4। अब 3 और 4 को सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालना हो और ए भी यहाँ पुट करना हो तब एक्स वाई मिलेगा। तो क्या करेंगे 32 और 42 है, देखिए क्या करेंगे, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 32 से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कटने वाला है 8 5 8 4, मतलब इसमें 5 से करेंगे, इसमें 4 से करेंगे, लंबा मल्टीप्लाई थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें 5 से हो रहा है, इसमें 4 से कीजिए, 160 ए प्लस 180 बी इक्वल टू 35। और ये हो जाएगा 160 ए प्लस 192 बी इज इक्वल टू 36। साइन सेम था इसका, इसलिए होगा कट गया। कटने के बाद क्या होगा, ये माइनस 12 बी इज इक्वल टू माइनस 1, और बी इज इक्वल टू 1 बाई 12। बी का वैल्यू डालेंगे किसी भी इक्वेशन में, फ्रॉम 3 से ही चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 32 ए प्लस 36 इज इक्वल टू 7, बी का वैल्यू हमने फिट किया 1 बाई 12, फिर कट जाएगा 3, 7 में से 3 गया 4, 1 बाई 8 आ रहा है। क्या होगा 32 ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 1 बाई 8, ए का वैल्यू आ गया 1 बाई 8, बी का वैल्यू आ गया 1 बाई 12। अब ए बी का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, नाउ 1 बाई एक्स माइनस वाई क्या है ए, एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई क्या है बी है। 1 बाई एक्स माइनस वाई ए का वैल्यू क्या है 1 बाई 8, वन बाई एक्स प्लस वाई बी का वैल्यू क्या है 1 बाई 12। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स माइनस वाई का वैल्यू 8 आ रहा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 आ रहा है। अब ये दो इक्वेशन है, तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 2 3 4 तो हो चुका है, तो इसको लेना होगा 5, इसको लेना होगा 6, 5 6 का हम एक साथ लिख के सॉल्व कर देंगे इजी वे में। देखिए वाई से वाई कट गया, क्या हुआ ऐड हुआ, एक्स इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 10। फ्रॉम इक्वेशन 5 ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई 12 है, एक्स का वैल्यू 10 है प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 2। एक्स जो लेट किए थे वो आंसर है, वाई जो लेट किए यहाँ पर लिख देंगे फाइनल में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टील वाटर 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही करना था, समझ गए होंगे, मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है 8 मेन एंड 12 बॉयज, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, by 6 men and 8 boys
फिनिश इट इन 7 days एंड द टाइम टेकन बाय and the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. यही हमारा अच्छा कैसे बनाना है इसको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको पता होगा, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क। तो हमको फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय मैन कितना एक्स डेज ले लेते हैं और मैन के बाद वाई का ले लेते हैं, ठीक है वाई डेज हो जाएगा। ठीक है अब क्या होगा देखिए, अगर एक्स डेज में हम कोई काम कंप्लीट कर रहा है तो वन डे वर्क निकालना होता है, क्या लिखेंगे वन डे वर्क और मैन क्या होगा वन बाई एक्स। एक्स दिन में अगर कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में अगर कोई काम कंप्लीट है तो 1 दिन का 1/12 तो 1 दिन में होगा तो 1/x और इसी तरह वाई का क्या हो जाएगा 1/y। ये होगा देखिए 1 दिन में 1/x हुआ, एक आदमी कर रहा है तो कितना आदमी है 8 आदमी, तो कितना होगा 8/x होगा। पढ़े तो क्वेश्चन जाते हैं, एक आदमी का 1/x है तो 8 मैन का क्या होगा 8/x, एक बाय का 1/y है तो 12/y का 12/y, कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है 5 डेज में, तो 1 डे का क्या होगा, ये भी 1 डे का है, ये भी 1 डे का है, तो ये भी 1 डे का है, 8x + 12y = 1। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आगे पढ़ते हैं फिर से, देखिए कितना 6 मैन है तो 1 मैन का 1 दिन का 1/x है तो 6 मैन का क्या होगा 6/x। बस फिर हम कुछ बॉयज भी इन्वॉल्व है, 8 बॉयज, तो 1 बॉयज का 1/y है तो 1 बॉयज का क्या होगा 8/y। 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम है तो ये 7 डेज में कंप्लीट करता है, तो 1 दिन में क्या करेगा 1/7 करेगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब 2 इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए नीचे एक्स है, एक्स बी वाई सी के फॉर्म में नहीं है, तो आप चाहें तो 1/x को लेकर ए भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। डायरेक्टली कैसे बनेगा सो देखिए, इसमें 6 है और इसमें 8 कट रहा है, 2 3 जा 2 4 जा, मतलब 3 से इसमें 4 से इसमें कर लीजिए, 3 × 24/x, 36/y, 3/5, 4 से कीजिएगा तो 24/x, 32/y, 4/7। देखिए हमने इसका किया प्लस प्लस सेम साइन है, इसलिए क्या होगा सबट्रैक्ट, साइन चेंज कट गया, 36 और 32 कितना हो जाएगा 4/y हो जाएगा, ये 3/5 - 4/5 कर लेते हैं कितना होता है 35 सेम हो जाएगा, 5 से करेंगे 7 21 20 एक आ जाएगा, वाई का वैल्यू 1/y = 35 140 आया, वाई का वैल्यू 140, वाई का 140 पुट करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा इसका आ जाएगा। इसी बिल क्वेश्चन में डालिए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर एक्स बाई सी के फॉर्म में नहीं हो फिर भी उसको बिना उस फॉर्म में लाए हुए सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा परेशानी भी कम हो कहीं, क्योंकि लेट वन बाई करते तो थोड़ा उसमें स्पेस भी लगता, थोड़ा उसमें टाइम भी लगता, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। और ध्यान रखना क्वेश्चन बनाते बनाते आदत हो जाएगा कि बिना चेंज किए ही बनाया जा सकता है। हम लोग इक्वेशन किसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 को from equation 1, 8x + 12y = 1/5 है, y का वैल्यू आप 140 पुट करने वाले हैं, 1 4
ट्वेल्व है, ये कट जाएगा लगता है, ये उधर ही भेजते हैं। वन प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व फाइव सेम तो 140 होगा, 28 माइनस ट्वेल्व यही होगा। क्या समझेंगे इससे, इसको कटाएंगे एक्स 70, एक्स जो था वो हो गया, वाई जो था वो हो गया, आप लिख देंगे उसको। ये जो मैन का है वो एक्स रेंज में कंप्लीट हो रहा, मतलब 70 रेंज में, और वुमेन का 140 रेंज में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम मैंने करा दिया है, टू डिजिट नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सब हो गया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ब्रेथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लिखने में ही बहुत सारा समय चला जाएगा। छोटा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इसका लैंग्वेज थोड़ा छोटा हो। मिल गया क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रूम exceeds its breadth by 3 meters. If the length is increased by three meters and breadth is decreased by 2 meters, the area remains the same. Find the length and breadth of the room. Find the length and breadth of the room. यही क्वेश्चन है, रूम का लेंथ ब्रेथ निकालना है। तो हम लेट करेंगे, लेट लेंथ को x, ब्रेथ को y, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एक्स इंटू वाई, एरिया हो जाएगा एक्स वाई। मीटर में तो हर जगह मीटर लिखते जाना, एरिया मीटर स्क्वायर लिखते जाना, ठीक है। यहाँ एक्स मीटर कर देते हैं, यहाँ भी मीटर कर देते हैं, और ये ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स ब्रेथ वाई 3 meters। लेंथ ऑफ रूम का लेंथ जो है एक्सीड्स मतलब कि बढ़ता है ब्रेथ से, कितना 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया है एक्स, ये लेंथ है, ये ज़्यादा है, हमने को बताया है, बार बार बताया है कि जो छोटा है उसमें प्लस कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए। तो रूम का लेंथ बड़ा है 3, मतलब ब्रेथ छोटा है, तो ब्रेथ में हमने 3 ऐड कर दिया। क्या होगा ये, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन वन, एक इक्वेशन तो इजी में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 meters, मतलब लेंथ जो है एक्स से क्या हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया, ब्रेथ क्या हो गया 2 कम हो गया, तो y माइनस 2, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा x प्लस 3 y माइनस 2, यही होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या होगा, कहता है कि एरिया सेम है, मतलब अभी का जो एरिया है वो पहले के एरिया के सेम है। तो अभी वाला एरिया है x प्लस 3 इंटू y माइनस 2, और जो पहले वाला है xy, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा xy माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x, क्योंकि एक्स वाई से कैंसिल हो गया, हो गया माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, दो इक्वेशन आ गया।
और हम इन दोनों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे लिख के सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई क्या है, थ्री। किससे मल्टीप्लाई करने का विचार है, इसको वन से कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, हमें लगता है कि अगर मैं इक्वेशन सेट कर दे रहा हूँ तो उसके बाद तो कम से कम आपसे बन ही जा रहा है। फिर एक ही जैसा मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से आपका होना क्या चाहिए, उस तरह का क्वेश्चन पक्का हो जाना चाहिए, अब उस तरह का क्वेश्चन को आसानी से बना सके, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए आज ये दूसरा पार्ट नेक्स्ट बना रहा हूँ, कुछ थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी इसमें कवर हो जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, और ये हो जाएगा थ्री से करेंगे तो थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन। अपोजिट का साइन है तो क्या होगा, ऐड होगा, हट गया, एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन, एक्स का वैल्यू 15 आ गया। इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स माइनस वाई है थ्री, 15 है एक्स का वैल्यू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस 15 आ जाएगा, माइनस वाई माइनस 12 वाई, लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया, समझ गए होंगे आप, इतना समझ गए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तरह का हम ले रहे हैं ताकि एकदम अगर कंफर्म हो जाए खासे नहीं। डायमंड वर्क का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा था, क्योंकि अभी मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था, मेरा टारगेट है हर एक तरह का दो क्वेश्चन कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं डायमंड वर्क का, टू मेन एंड फाइव बॉयज, टू मेन एंड फाइव बॉयज कैन फिनिश piece of work in 4 days while 3 men and 6 boys can finish it in 3 days at the time taken. By one man alone and one boy alone to finish the work separately. एक लड़का, एक आदमी, एक लड़का अकेले कितने दिन में करेगा, एक आदमी अकेले, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी कराया हुआ है तो अभी इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा, मैन का टाइम एक्स होगा, बॉय का टाइम वाई होगा, मैन का वन डे का निकालेंगे, मैन का वन डे वर्क 1/x हो जाएगा, बॉय का वन डे वर्क 1/y हो जाएगा। इतना आप जान चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए टू मेन है तो एक मेन का 1/x है तो 2 का क्या हुआ, 2/x हो, यहाँ हो जाएगा 2/x प्लस। एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक ही जैसा मैं दो क्वेश्चन करा रहा हूँ तो पहले क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो दूसरा क्वेश्चन जब मैंने इतना नोट कर दिया तो आप वीडियो को आकर रोकें और खुद से सॉल्यूशन इसका करें, उसके बाद सर मिलाए वीडियो के ना मिलता तो ठीक है, ताकि आपको पता भी चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो 2/x प्लस ये 5/y कितना देर में कंप्लीट हुआ, 4, तो ये वन डे है, वन डे तो ये 4 का क्या आ जाएगा, वन डे, तो वन डे क्वेश्चन वन हो गया। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ, 3 men तो 3/x हो जाएगा, 6 boys तो 6/y हो जाएगा, कितने में कंप्लीट किया 3 days में, तो ये बन गया 3, क्वेश्चन 2 हो गया। तो दो इक्वेशन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है।
कैसे सॉल्व करना है, क्या करेंगे, अभी वन बाई एक्स वन बाई को रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि नंबर छोटा छोटा है, 2, 3, 5, 6 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते 3 6 को 2 6 6 बाई एक्स 15 बाई वाई 3 बाई 4 6 बाई एक्स 12 बाई वाई 2 बाई 3 साइन तो सेम है इसीलिए होगा सब ट्वेल्व कट गया 15 और 12 क्या हो जाएगा 3 बाई 4 माइनस 2 बाई 3 क्या होने वाला है एलसीएम 12 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा ये तो 1 हो लेकिन 3 को 12 36 y पर तो 36 y का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है तो हमारा टारगेट x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालेंगे पहले वाले में डाल देते हैं 4 1 अच्छा नंबर नहीं आएगा क्या 1 by 4 - 5 by 36 36 हो जाएगा 9 - 5 5 5 4 by 36 हो जाएगा 4 by 1 by 9 देखिए 2 by x = 1 by 9 तो x = 18 आ जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा y 36 और x 18 समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ लेंथ ब्रेथ से रिलेटेड क्वेश्चन ताकि क्लियर हो जाए क्योंकि थोड़ा बहुत डाउट है। इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा तो मैं इसी में कुछ कुछ इरेज करके लिखूंगा। क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं मिटाना ही पड़ेगा इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बोल रोज करके भी लिख रहा हूँ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय एट मीटर स्क्वायर when its length is 5 meter and its breadth is 3 meter. First turn the next. If we increase the length, by 3 meter and breadth by 2 meter area is increased by increased by 74 meter square find the length and breadth of rectangle find the length and breadth of rectangle ये क्वेश्चन फिर से शुरुआत करते हैं। लेंथ क्या होगा x, ब्रेथ क्या होगा y, एरिया क्या होगा xy। ये तो पहला स्टेप किया। आगे पढ़िए एरिया रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 8 मीटर स्क्वायर मतलब पहले जो एरिया एक्स वाई था क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 8 हो जाएगा। कब होगा जब लेंथ रिड्यूस हो गया 5 मतलब लेंथ हो गया एक्स माइनस 5 ब्रेथ हो गया
ब्रेथ, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड, ये रिड्यूस है और ये डिक्रीज है, दोनों तो एक ही बात है। लेंथ इज रिड्यूस एंड ब्रेथ इज इंक्रीज है। लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर। ब्रेथ इज इंक्रीज है, ये मैंने गलत से डिक्रीज लिख दिया, इंक्रीज बाय 3। We increase the length by 3 and breadth by 2। क्वेश्चन आप लोग जल्द कर दीजिए, ठीक है। देखिए ब्रेथ क्या है, इंक्रीज बाई 3, तो y है तो y प्लस 3, तो एरिया क्या होगा x माइनस 5 इंटू y प्लस 3, ठीक होगा। तो लिखते हैं कि जब एरिया x माइनस 5 और y प्लस 3 ये होगा तो कितना 8 कम हो जाएगा पहले वाले से, तो पहले वाला x y है, उसमें से 8 हमने माइनस कर दिया, तब लेंथ 5 कम हो जाएगा और ब्रेथ 5 बढ़ जाएगा, तो एरिया पहले से 8 कम हो जाएगा, इसलिए एक्स वाई माइनस 8 होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या हो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस, एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, 3x माइनस 5, देखिए माइनस का 15 उधर जाएगा तो 23 हो जाएगा, पहला इक्वेशन आप आएगा। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी सेटअप होगा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, मतलब लेंथ 3 इंक्रीज किया तो एक्स प्लस 3 होगा, एंड ब्रेथ बाय 2 इंक्रीज ही करना है तो ब्रेथ हो जाएगा वाई प्लस 2, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, यही होगा। ये दो कर लेते हैं इसको, तो अब जो अभी का जो एरिया आया है एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 आया है, और ये इक्वल टू है पहले वाले एरिया से कितना ज़्यादा, 74 इंक्रीज, तो पहले एरिया एक्स वाई है उसमें 74 हमने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई प्लस ये 2 है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 70, और एक्स वाई का एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 74 माइनस 6 क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब दो इक्वेशन जब आ जाएगा तो उसके बाद आपको सॉल्व करने तो आता ही है, तो उसके बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पांच पांच मेथड है सॉल्व करने का, जो मेथड आपको इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया रहे क्वेश्चन को किस प्रोसेस से सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन ये इतना सारा लैंग्वेज लिखने के बाद नीचे क्वेश्चन लिख के सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा, तो मेथड मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा तब तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर 2x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 68, क्वेश्चन 2, और इक्वेशन 1 पहले क्या आया हुआ है 3x माइनस 5 वाई 23, 3x माइनस 5 वाई 23। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले, ये अपोजिट वाले को ही कर लेते हैं, तो 5 से इसको 23, ठीक ये देखो क्या हुआ 10x 15 वाई वाले तो कितना हो जाएगा 340, 3 से 20 9x माइनस 15 वाई 69, अपोजिट साइड कट जाएगा ऐड होगा 19x इक्वल टू कितना हो रहा है 409, ये तो लगता नहीं कटेगा, नाइनटीन एक्स इक्वल टू 409, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया, गलती हो गया, देखिए यहीं पे गलती है, ये माइनस 8 है ना, माइनस 8 और प्लस का 15 तो क्या होगा सिंपली 7 होगा, 7 होगा, तो यहाँ पे ये तो 68 सही है, ये 7 हो जाएगा, 7 3 जाइए 21 हो जाएगा, ये 3
19 का स्क्वायर होता है 361, सो एक्स इज इक्वल टू 19। अब वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, छोटा सा इक्वेशन यही है, 1 फ्रॉम 1 चौक भाग रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 है, 3 इंटू 19 माइनस 5y कितना आ जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 57 हो रहा है, माइनस 5y माइनस 50 का इक्वल होगा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x मतलब लेंथ है, y मतलब ब्रेथ है, हो गया, समझ गए होंगे कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू सी डी एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस बी, फाइंड द एंगल्स, यही क्वेश्चन आपको क्या करना है, एंगल्स निकालना है, फाइंड द एंगल्स, यही आपका क्वेश्चन है। एंगल कैसे फाइंड होगा, सोचने वाली बात है, देखिए क्या करेंगे। ए बी सी यहाँ पे तो देखने में 3 वेरिएबल लगता है, लेकिन आपको लेना है 2 ही वेरिएबल, तो किसी 2 एंगल को एक्स वाई ले लेते हैं, किसको किसी को भी ले सकते हैं, तो हमने ले लिया एंगल ए को ही ले लिया, एंगल ए को एक्स, एंगल बी को वाई लिया, हमने वैल्यू पुट करना शुरू किया, एंगल सी इज इक्वल टू 3, एंगल बी का वैल्यू है वाई इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है क्या, तो इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, इसको हमने इन दोनों को लिया, देखा कि एक इक्वेशन बन रहा है, तो 3y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, सो 3y माइनस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, y माइनस 2x इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्या ये तो समझ में आ गया होगा, अब एक और इक्वेशन चाहिए तभी काम होगा। तो आप जानते हैं c का वैल्यू क्या है, जी भाई है, तो आप ये लिख सकते हैं कि हम ट्रायंगल में ये हमको बात पता है, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, अब ए का वैल्यू क्या है एक्स, बी का क्या है वाई, सी का क्या है 3y प्लस 4y इक्वल टू 180 प्लस, तो इक्वेशन आ गया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं, पहला है हमारा, देखिए पहले मैं यहाँ इधर एक्स है इधर वाई, इधर इसको सीधा कर लेते हैं, इसको एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं कि 4y प्लस एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि इसमें बाद में एक्स है तो इसमें बाद में एक्स कर दिए। अब 180 को सॉल्व करेंगे क्या होगा, वाई माइनस 2x इक्वल टू 0, 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्या लगता है किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से इसमें 2 से इसमें, और ये y माइनस 2x 0 है, ये तो y प्लस 2x 360 है, ऐड होगा अपोजिट है साइन, इसलिए 9y 360 करता है, y इज इक्वल टू 40 हो गया, छोटा सा इक्वेशन तो है 1 ही, फ्रॉम 1 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 y माइनस 2x क्या है 0 है, y का वैल्यू क्या है 40 है, 40 उधर गया तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40 हो गया,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 40y-2। एक्स कितना है? 20 है। एक्स का भी वैल्यू आ गया, वाई का भी वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर है। पूछा क्या है? फाइंड द एंगल्स, मतलब एंगल ए बी सी निकालना है। एंगल ए क्या है? एक्स आ गया, एंगल बी क्या है? वाई आ गया। और जब एंगल ए मालूम है, एंगल बी मालूम है, तो सी निकाला जा सकता है। क्या निकाल लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन अभी मैं जो लेने जा रहा हूँ, बच्चे लोग को इसमें तो बहुत ही दिक्कत होती है, तो ये देख लीजिएगा ध्यान से, या इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में नहीं फंसे। अगर आप गौर से देखिएगा तो नहीं फंसिएगा। ओह माय गॉड, व्हाट इज इट? क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग 50% एसिड एंड अ सेकेंड वन कंटेनिंग 35% एसिड, how much of it should be used? To make 10 liters of a 40% acid solution. यही क्वेश्चन देख, दो तरह का है, तो हमने पहले को एक्स लिया, दूसरे को वाई लिया। क्या फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा? वन सॉल्यूशन, तो फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन, यहाँ अमाउंट ऐड कर दीजिएगा। अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइप वाला सॉल्यूशन क्या है? एक्स है। और सेकंड वाला क्या है? वाई है। इतना आप समझ गए, लेट करना है, दो वेरिएबल चाहिए। अच्छा, मैंने मेंशन भी कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला एक्स है, फर्स्ट टाइप का अमाउंट एक्स है, तो सेकंड टाइप का क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है सो देख लीजिए। 10 लीटर टोटल कितना है? 10 लीटर। मतलब पहले टाइप और दूसरे टाइप को अगर हम मिला दें तो हमको 10 लीटर होगा। तो यहाँ से पहला इक्वेशन हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, सिंपल सा इक्वेशन तो आ गया एक, लेकिन हमको तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कैसे आएगा उसको ध्यान दीजिए। और क्या कहता है? केमिस्ट के पास पहले वाले का 50% है। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, पहले वाला एक्स है और इसका 50% है, फिर दूसरा वाला कितना है? 25% है, प्लस दूसरे वाले का 25% इक्वल टू, इसको मिल क्या रहा है? 40% का बनाना है। कितना का? 40%। और वो 40% किसका होगा? जो टोटल है 10 का, तो 40/100 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 100 100 100 तो सब में कॉमन हो, खत्म हो गया, क्या होगा? 50x 25y 400। तो हमने देखा कि कुछ कॉमन आ रहा है, 25 ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया 2x + y = 400। सी ये कट जाएगा, 16 आना है इक्वेशन। दोनों इक्वेशन छोटा ही है, दोनों को एक साथ लिख के हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए वाई वाई साइन भी सेम, कोफिशिएंट सेम, सब्ट्रैक्ट
एक्स इज इक्वल टू सिक्स आ रहा है। और जो हमारे पास जो इक्वेशन है वन वो एक्स प्लस वाई टेन है, इसमें एक्स सिक्स आ गया आप तो वाई कितना आएगा, वाई फोर आ जाएगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, दो टाइप का सॉल्यूशन है तो पहले को एक्स लिए दूसरे को वाई लिए, टोटल सॉल्यूशन 10 लीटर है तो एक्स प्लस वाई 10 पहला इक्वेशन हो गया। तो कहते हैं पहले टाइप का 50% और पहला टाइप एक्स है इसका 50% 50/100 हो गया, और दूसरे टाइप का कितना 25% तो वाई का 25/100। सेकेंड वन एंड हाउ मच इच शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर 40% ऐसे दोनों को मिलाना है, इसलिए हमें बस दे प्लस कितना चाहिए 40% चाहिए, तो 40% किसका चाहिए तो 10 लीटर तक 10 कर दिए। इसके बाद दूसरा इक्वेशन आ गया, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर आ गया, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं और लेने वाला हूँ, इसके बाद इसको ख़त्म करूँगा, कोई क्वेश्चन रह नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बिल्कुल क्वेश्चन लिखूंगा आपको सॉल्यूशन का आइडिया आने लगेगा, और यही मैं चाहता भी हूँ, ये क्वेश्चन बताने के बाद दूसरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। इतना क्वेश्चन क्वेश्चन तो बना ही होगा, क्वेश्चन 90% या 97%, 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन। प्योर एसिड सॉल्यूशंस आर मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इच टाइप। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सचर। यही क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट देखिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है आपको, 90% 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन और मिक्स टू ऑब्टेन, मतलब दो तरह का सॉल्यूशन है। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन का अमाउंट एक्स हो गया, सेकेंड वाला का वाई हो गया। अब देखिए टोटल कितना है 21 लीटर, मतलब क्वेश्चन बन गया आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 21। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, लेकिन हमको दो इक्वेशन चाहिए, और एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। 90% पहले वाले का है 90/100 एक्स हो जाएगा, दूसरे वाले का 97% 97/100 वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 95% तो 95/100 हो जाएगा, किसका तो 21 लीटर का, नहीं तो 21 ये 100 100 100 खत्म हो गया, क्या होगा 90x 97y बहुत बड़ा होने वाला है, 95 × 21 मल्टीप्लाई करते हैं 21 5 0 5 यानी 10 है, 21 9 189 और 10 199। क्वेश्चन टू की दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही जाएगा। यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं है, क्या करने वाले हम लोग 90 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 90 से इसमें 90x 97y 1995 है, ये हो जाएगा 90x 90y इक्वल टू कितना होगा 189.0। साइन तो सेम है इसलिए जाएगा ये सब्ट्रैक्शन का केस, कट गया 7y
बटू कितना हो जाएगा 105, ये बन गया तो आ गया आपको 15 आ गया। अब कैसे निकालेंगे, छोटा इक्वेशन कौन है, ये फ्रॉम इक्वेशन में एक्स प्लस वाई क्या है 21 है, एक्स का वैल्यू नहीं पता है वाई पता है, एक्स इज इक्वल टू 6, दोनों तरह के सोल्यूशन का मात्रा आपको मिल गया। अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको मिल लेते हैं, ध्यान दीजिए, स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ये आखिरी क्वेश्चन हो। ट्रेन कवर्ड अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन हैड ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 hours less than the scheduled time. ये तो पहला स्टैंडर्ड आ गया, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय इधर स्पेस, तो मैं चाहता हूँ इसको इधर बढ़ा देता हूँ। इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 hours more than the scheduled time. Scheduled time. Find the length of the journey. First of all, find the length of the journey. तो लेंथ ऑफ जर्नी फाइंड करना, लेंथ ऑफ जर्नी का मतलब जर्नी जो था कितना लंबा था, मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है। लेंथ ऑफ जर्नी का मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसमें देखने से ही पता चला कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम का मैटर है। शुरुआत करते हैं, दो चीज़ इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, स्पीड और टाइम। तो हमने एक को एक्स लिया, दूसरे को वाई लिया, स्पीड को लिया एक्स, टाइम को लिया वाई, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम एक्स वाई आ गया, ठीक है। कवर सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर फास्टर, मतलब स्पीड बढ़ गया है छः, स्पीड क्या हो जाएगा एक्स से एक्स प्लस 6 हो गया, इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, टाइम कम हो गया, मतलब टाइम जो वाई था वो अब वाई माइनस 4 हो गया। जब स्पीड ये है टाइम ये है तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस 6 इंटू, और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से क्या है इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेमी कवर कर रहा है, तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा होगा x प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स वाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू एक्स वाई कट गया, माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर पहला इक्वेशन। दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है तो इसको हम लोग पहला इक्वेशन नहीं लेते हैं क्या। टू कॉमन आ रहा है सब में, डायरेक्टली टू को मैं कटा रहा हूँ, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई ये हुआ ठीक है। अब आगे क्या है पढ़िए, एंड इफ यहाँ पे इफ था वो मिट गया, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय सिक्स, स्लो हो गया मतलब स्पीड कम हो गया, अच्छी फिर से स्पीड क्या हो गया, जो स्पीड एक्स था वो अब एक्स माइनस सिक्स, जो टाइम वाई था इट वुड हैव टेकन सिक्स आवर मोर, तो वाई प्लस सिक्स, तो डिस्टेंस क्या हुआ एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस और पहले का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, तो एक्स माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस सिक्स, अगर दोनों में सिक्स सिक्स ही माइनस प्लस वाई पर चेक कर लेता हूँ ठीक है, पलटो एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या होगा, एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल, सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स, सिक्स को मना रहा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर इतना करने के बाद हमने देखा इसमें भी हमको सिक्स वाई आया हुआ है और यहाँ भी सिक्स वाई आया हुआ है, कॉमन नहीं लेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, इसलिए हम जो कॉमन लिए उसको मिटा देते हैं, इक्वेशन वन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इक्वेशन टू यहीं ठीक है, इक्वेशन टू को हमने यहाँ पर क्यों रोका, क्योंकि यहाँ भी सिक्स वाई है, सिक्स वाई इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए अपोजिट साइन है तो क्या होगा, हेड ओवर कट गया, ये हो जाएगा टू एक्स और ये हो जाएगा सिक्स टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू थर्टी आ गया, वाई आराम से निकाला जा सकता है, तो पहले वाले में पुट कर लेते हैं ये फाइनल फ्रॉम वन, माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, माइनस फोर का थर्टी से इंटू होगा आ जाएगा माइनस वन ट्वेंटी, सिक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी को ऐड करेंगे बढ़ जाएगा फोर वन फोर फोर हो जाएगा ना, ये कट जाएगा वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे आप, एक्स भी मिल गया वाई भी मिल गया तो यही हो जाएगा। इस तरह से हमने वर्ड प्रॉब्लम को एक तरह से ट्रेनर इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको कंप्लीट किया, हर एक टाइप का क्वेश्चन ले ले करके ठीक है। तो अब हमारा कोशिश यही रहेगा कि इसमें अगर कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो मैं कोई भी अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कोशिश कर रख रखूँ, जिससे कि आपका रिविज़न हो जाए ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, देखते रहें।